प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न बैंक पीओ की परीक्षा में 2008 में आ चुका है। आज का प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह है बटे 2880 बराबर 180 बटे प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको ये ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए जिससे LHS और RHS के मान परस्पर बराबर हो जाएं, अर्थात जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। आपको 5 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प छांटना है। तो जैसा कि आपको हमने बतलाया था, जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक निशान लगा होता है तो उस प्रश्नवाचक निशान के स्थान पर हम एक्स मान लेते हैं, जिससे हमारा प्रश्न जो है वो बीजगणित के प्रश्नों में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और फिर हमारे लिए प्रश्न को हल करने में सुविधा होती है। तो सबसे पहले तो हमने प्रश्न उतार लिया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर एक्स लगा दिया और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x लगा दिया, तो हमारा बन गया x अपॉन 2880 बराबर 180 बटे x। अब हमें ये एक समीकरण बन गई हमारे लिए, इस समीकरण की सहायता से जो x का मान निकल के आएगा वही वह संख्या होगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। इसके लिए क्या किया हमने कि इसमें क्या समीकरण में क्या चीज़ गुणा कर ली, तो x और x का गुणनफल आ जाएगा x स्क्वायर, इसे हमने LHS में लिख लिया। और 2880 और 180 का गुणनफल हमने लिख लिया 2880 गुणा 180, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। हम गुणा कहाँ पर करें कहाँ पर ना करें ये जो है आपको अभ्यास होना चाहिए इसका। यदि आप यहाँ पर उसकी गुणा कर लेंगे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, बल्कि आपका समय जो है वो अकारण खर्च होगा, व्यर्थ जाएगा, टाइम आपका खर्च होगा। तो देखिए अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो इधर तो x स्क्वायर का वर्गमूल हमारा x आ जाएगा और इधर क्या करेंगे RHS में हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद 2880 के हम ऐसे पार्टीशन करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके हमें वर्गमूल आसानी से मौखिक याद हैं या जिनके वर्गमूल नहीं याद हैं। तो जो वर्गमूल पूरा पूरा आ जाएगा याद होगा उसका वो तो लिख देंगे, और जो संख्या ऐसी होगी जिसका वर्गमूल याद नहीं है वो किसी और दूसरी संख्या में सेट हो जाएगा। तो हमने लिख दिया इसके स्थान पर 144 गुणा 2 गुणा 10, ये आपका 2880 के फैक्टर्स हो गए। और यहाँ पर जो 180 है इसके हमने फैक्टर कर दिए 2 गुणा 9 गुणा 10, क्लियर, क्योंकि हमारे लिए 144 का भी वर्गमूल मालूम है और 9 का भी वर्गमूल मालूम है और बकाया संख्याओं का वर्गमूल नहीं मालूम है, तो वो गुणा में जो है वो सेट हो जाएंगी अपने आप, मौखिक आप कर सकते हैं उसके लिए। तो 144 का वर्गमूल तो आ जाएगा 12, ये लिख देते हैं, और इस 2 और इस 2 का गुणनफल 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो आपने 2 इसका वर्गमूल लिख दिया, इस 9 का वर्गमूल 3 आएगा, आपने 3 लिख दिया, इस 10 गुणा 10 की गुणा जो होगी वो 100 होगी और 100 का वर्गमूल 10 होता है, वो आपका यहाँ लिख जाएगा। गणित के अंदर ये नियम होता है कि अगर वर्गमूल के अंदर कई संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या ये है, बाई संख्या ये है, जेड संख्या ये है, तो इसका वर्गमूल आप अलग लिख दीजिए गुणा इसका वर्गमूल अलग लिख दीजिए गुणा इसका वर्गमूल यहाँ पर लिख दीजिए, तो वो पूरे गुणनफल जो है उसका वर्गमूल निकल आएगा। तो इस प्रकार से आपका x का मान ये निकल आया 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 10, और आप जब इनकी गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा x बराबर 720। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस चिन्ह के स्थान पर 720 आना चाहिए। अब हम विकल्प में देखते हैं, एक विकल्प हमें दिया है 360, एक दिया है 750, एक दिया है 540 और एक दिया है 1080, अर्थात 720 विकल्प कहीं नहीं दिया हुआ है और एक अंत में ई विकल्प दे दिया है, इनमें से कोई नहीं।
तो हम फिर उत्तर में यही लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं ई विकल्प सत्य है, और ये हमारा उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार से प्रश्न को हल हो जाता है। आप थोड़ा अभ्यास कीजिए, ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस केवल एक बात ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। आपको जितने ज़्यादा अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सूत्र याद होंगे, उतना ही आपको प्रश्न करने में सुविधा होगी। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार आपको कोई नया प्रश्न समझाऊँगा। नमस्कार।